झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ के परिवार पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। मौके पर पूर्व मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही झारखंड सरकार की कार्यकाल की जमकर प्रशंसा भी की। देखिए, कांग्रेस का स्थिति तो मतलब बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। अभी हमारे राहुल गांधी जो है हमारे नेता, वो अभी भारत जोड़ो यात्रा पर है और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है पूरे देश में, और आने वाला निश्चित रूप से कांग्रेस ही रहेगा देश में, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर के महंगाई और बेरोजगारी का जो स्थिति है देश में, मतलब पहले ऐसा कभी नहीं था। और कांग्रेस पार्टी ने जो किया है 75 साल में, वो कोई अभी जो मोदी जी का जो है जो बोलते रहते हैं हमेशा कि नहीं, सो मतलब 75 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे संसाधन आज जो मोबाइल ले रहे हैं आप, कंप्यूटर ले रहे हैं आज, आईटी सेक्टर हो या जो भी टेक्नोलॉजी में, आज हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी ने जो लाया देश में, वो आज क्रांति के रूप में फैल रहा है। और राज्य में भी जो हमारी सरकार है गठबंधन की सरकार, वो अच्छा काम कर रही है। आज पारा टीचर का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, पुरानी पेंशन योजना का मामला हो, 1932 खतियान का मामला हो, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन अभी सबसे मुद्दा दो चीज़ और, एक विस्थापन आयोग का गठन और 2013 कानून को लागू करने। तो अम्बा प्रसाद ने विधानसभा में मामला उठाए थे, मुख्यमंत्री ने उसको आश्वासन दिए थे कि इसको 2013 में इलेक्ट और सी बी एक्ट नहीं चलेगा, 2013 का कानून चलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने, हमको लगता है कि आने वाला कैबिनेट में इसको पास करेंगे। अभी दो चार दिन पहले विधायक अम्बा प्रसाद ने मिली थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी, तो बोले थे कि अगला कैबिनेट में इसको लाएंगे। तो अगला कैबिनेट में 2013 कानून जो संशोधन पिछली सरकार जो रघुवर सरकार ने किया था कारपोरेट लूट के चलते, वो अब रुकेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।